हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैंने एक स्पेशल आटे से लड्डू तैयार किए हैं। शायद ही आपने कभी इस आटे से लड्डू बनाए होंगे या खाए होंगे। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए जो मैंने आटा लिया है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि मैंने कौन से लड्डू के लिए इनमें कौन सा आटे का यूज़ किया है। और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मैंने क्या क्या ऐड किया है वो भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इस तरह से एक पैन लिया है, जिसमें एक चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया था, ताकि मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से भुन जाए। सबसे पहले मैंने इसमें गोंद को भूना है, और गोंद थोड़ी स्टिकी होती है जब हम इसे भूनते हैं, तो इस तरीके से आप भून लें। अगर आप पहली बार भून रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये जिस चमचे से हम चलाते हैं वो चमचा वगैरह जो है इस पे चिपकता है, तो इसलिए घबराएं नहीं और इस तरीके से इसे अच्छे से भून लें और भून कर इसे निकाल लें। थोड़ा सा ये पापड़ की जैसे पापड़ हो जाता है, इस तरीके से फूली फूली हो जाती है, देखिए जैसे मेरी हो गई है, और जब ये फूल जाए इस तरीके से तो निकाल लें। फिर मैंने थोड़ी सी कनी को भी अच्छे से भून लिया है, और कनी और जो गोंद है, सर्दियों में खाना बड़ा ही अच्छा होता है, और ये हमारे कमर दर्द, जोड़ों में जो दर्द होता है, और सभी बच्चे और बूढ़ों सभी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इस मौसम में, सर्दी के मौसम में इसे खाना बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप जब भी ये लड्डू या कुछ बनाएं तो उसमें कनी या गोंद का यूज जरूर करें। थोड़े से मैंने इसमें बादाम डाले हैं, और बादाम को भी मैं भून लूंगी, और भूनने के बाद भी इन्हें निकाल लूंगी। आप चाहे अपने, मतलब जितना आप बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसमें सब सामान ऐड कर सकते हैं, थोड़ा या कम या ज्यादा। और बादाम भी बहुत ही अच्छे होते हैं इस मौसम में खाना, तो आप बादाम का भी जरूर यूज कीजिए। थोड़े से मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं, काजू को भी मैं थोड़ा सा भून लूंगी और इन्हें भी निकाल लूंगी। और मैं इसमें एक कटोरी के करीब मखाने भी ऐड करूंगी, क्योंकि मखाने एक तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इनमें फाइबर बहुत होता है, और इसे कैल्शियम से भरपूर होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे जो हम लड्डू बनाते हैं उसमें जो मीठा डालते हैं, उस मीठे को भी थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि हम इसको फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए मेरे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से भुन गए हैं, और मैंने इन्हें एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दिया था। और उसी सेम कढ़ाई में मैंने दो छोटे चम्मच घी डाला है, और जो मैंने ये आटा आज मैंने यूज किया है, ये चने का सत्तू आटा जिसका हम सत्तू बनाते हैं, उस आटे के आज मैंने ये लड्डू बनाए हैं। और ये बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, और इसके आटे के जो लड्डू बनते हैं वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप इसे इस तरीके से भून लीजिए। मैंने बहुत ही कम घी का इसे भूनने में यूज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे हम हेल्दी बना रहे हैं तो हम थोड़ा घी कम ही यूज करेंगे, और जब ये आटा हमारा भुनने लगता है तो ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर देता है, ये आप चेक करते रहें। उसके बाद मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, और अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा महीन पीस लिया, क्योंकि थोड़े मोटे अगर रह जाते हैं तो बच्चे निकाल देते हैं, कई बार नहीं खाते हैं। और इस तरीके से अगर हम इनको थोड़ा सा पीस लेते हैं तो बच्चे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इजीली खा लेते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो भी इन्हें इजीली खा सकते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के दांतों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसको करने के लिए हमें इस तरीके से इनको बारीक पीस लेना चाहिए, ताकि सभी एज के लोग जो है इन्हें इजीली खा सके। देखिए मुझे इस तरीके से मैंने इसका पाउडर बना लिया है, ना ज्यादा ये मोटा है और ना ही ज्यादा बारीक है। और इस तरीके से हम इसे अपने जो बैटर है, जो हमने लड्डू के लिए अपने आटा तैयार किया है, सत्तू का आटा, उसमें हम डालेंगे। तो हमारा जो आटा मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है वो काफी ठंडा हो गया है, और अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी, जिसमें मुझे सारा जो मिक्सचर है हमारा वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने अपना आटा जो है एक बड़ी सी प्लेट ली है और उसमें निकाल लिया है। इसी में जो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट की करके बारीक पीस लिए थे वो भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। और मैं इसमें जो मीठा डाल रही हूँ वो मैंने बूरा का यूज किया है, और मैंने 1.5 कप बूरा लिया है। जितना मैंने इसमें सत्तू का आटा लिया था उतनी ही मैंने बूरा ली है, क्योंकि बूरा थोड़ी मीठी होती है। आप इसमें बूरा की जगह गुड़ का भी, का मतलब जो गुड़ शक्कर आती है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बूरा का यूज किया है। और इस और अच्छे से इसको मैश कर लिया था। आप इसे अच्छे से मैश कर ले। अगर आपको लगता है कि ये मेरा, मतलब लड्डू बनने के लिए हमारा जो ये
आटम बैटर है वो तैयार नहीं लग रहा है, तो आप इसमें एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी खा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके लड्डू अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो आप रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा मतलब 2 चम्मच के करीब इसमें दूध ऐड कर लीजिए, तो आपके जो लड्डू हैं वो बहुत ही अच्छे से बंध जाएंगे और आपको लड्डू बांधने में दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी लड्डू ये आपके बनकर तैयार हुए हैं। और सत्तू के जो हम लड्डू बनाते हैं वो वैसे भी बहुत ही बढ़िया होते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में और हमारी बॉडी में जो परेशानियां सर्दी के मौसम में दर्द, जोड़ों में दर्द, इधर दर्द रहता है, तो वो सब हमें हमारा जो है वो ठीक करने में हमारी हेल्प करता है।